नमस्कार दर्शकों, संध्याकाल के इस सीधा प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन है और वह दिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। लेकिन सभी शायद अयोध्या ना पहुंच पाए, लेकिन यह निश्चित है कि 22 जनवरी को दिवाली से कम नहीं होगा। और उसके तैयारियों में आप सभी को बता दें कि पूरा भारत के भारतवासी सभी 22 जनवरी को दिवाली के तरह मनाने के लिए तैयारियों में लग गए हैं। और ऐसा ही तैयारी आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाना चाहेंगे। श्री श्याम युवा मंडल जयगांव शाखा द्वारा यहां पे तैयारियां चल रही है। और आपको बता दें, यह तैयारियां हर घर दीप अभियान के लिए किया जा रहा है। आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाना चाहेंगे कि युवा मंडल जो है, श्री श्याम युवा मंडल के सभी सदस्यगण लगे हुए हैं कि हर घर दिया पहुंचाया जाए। और इसके लिए यहां पे तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं, सभी सदस्यगण जो है वो लगे हुए हैं दियों को पैकिंग करने के लिए। और इस जो दिया आप देख रहे हैं पैकिंग होकर जयगांव शहर में घर घर इस दिए को पहुंचाया जाएगा, ताकि 22 जनवरी को जयगांव में एक और दिवाली मनाया जाएगा। वह दिवाली जो करीबन 500 साल बाद राम मंदिर का जो संकल्प था, जो सपना था, वो पूरा होने का दिन होगा। उस दिन को दिवाली के रूप में मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो दिए हैं, ये पूरे जयगांव शहर में घर घर में दिए बांटे जाएंगे। और आपको बता दें कि ऐसा तैयारियां अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ग्रुप कहा जा सकता है, युवा कहें, चाहे बुजुर्ग कहें, चाहे महिलाएं कहें, सभी अपने तरह से तैयारियां कर रहे हैं। और 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली मनाया जाएगा, पूरे शहर में दीप जलाया जाएगा, एक बार फिर शहर रोशनी में जगमगाएगा। और आपको बता दें, केवल जयगांव शहर ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, और आपको कह दें कि पूरे दुनिया भर में एक और दिवाली मनाया जाएगा, तो शायद गलत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं श्री श्याम युवा मंडल के, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति अग्रवाल है। जी शक्ति जी, ये बताइए कहाँ से ये आइडिया आया और क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? ये क्या है कि देखिए, वैसे तो श्री श्याम युवा मंडल से हम सभी मेंबर्स और इतने युवा पीढ़ी, सारे युवा बच्चे सब जुड़े हुए हैं इस मंडल से। और जब यंग बच्चे जुड़े हुए हैं तो देखिए, बहुत सारी नई आइडिया, नया संकल्प इनके माइंड में चलते रहता है हर चीज का। तो वैसे ही हमने सब ने विचार किया कि भाई, इतना बड़ा जब ये दिन है हमारे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, आज इतनी बड़ी खुशी की बात है ये। आज हम साल में एक बार दिवाली बनाते हैं, 2024 में हम साल में दो बार दिवाली बनाएंगे। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर आज हम सभी, हमारे युवा मंडल के जितने मेंबर्स हैं, ये तो आप बहुत कम देख रहे हैं, बाकी हमारे मंडल में 70 मेंबर्स हैं, बच्चे हैं जो सभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आज वो पूरे भाव, पूरे हर्ष और उल्लास से लगे हुए हैं कि हम ये सारा दीवा पैक करके हमारे जयगांव के पूरी नगरी में, पूरे बाजार में हम लोग इस दीवे को हर घर में और हर दुकान पे, हर उस हिंदू को, हर उस सनातन आदमी को जो बाजार में है, उन सभी के हाथ को हम ये दीपक को पहुंचाएं उनके हाथ में। आप लोग का क्या लक्ष्य है, मतलब कितने परिवार, कितने दिए आप लोग बांटने वाले हैं? हमारे पास करीब 4 से 5 हजार दीवे हमने मंगाए हैं और 5-5 दीपक का हम ये पैकेट बना रहे हैं। हमारा पूरी कोशिश है, हमारे मंडल के बच्चों की, मेंबर्स की, हम जितनी से ज्यादा संख्या में हो सकते हैं उतनी ज्यादा संख्या में हम घर घर पहुंचाएंगे इस दीपक को। जी आपको मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे काफी सारे धर्म विशेष समुदाय हैं, तो
श्री राम जो है वो सभी के हैं, सभी आप केवल एक ही वर्ग को ये बांटने का बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा ये उद्देश्य कभी भी नहीं था जी। हम तो इस खुशी से दीवे को बांटेंगे कि बाजार के अंदर में हमें तो जो मिले हम उन सभी के हाथों में, ये नहीं है कि ये किसी एक धर्म की चीज है, हमें तो बाजार में कोई भी मिले हम सबके हाथों तक, हर हाथ में पहुंचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य ही यही है। तो एक बार फिर पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिवाली मनाया जाएगा, एकदम पूरे हर्ष और उल्लास से दिवाली मनाया जाएगा, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए। और क्या क्या संदेश रखना चाहेंगे आप लोग? तैयारियां तो जोरों शोरों से कर रहे हैं, 22 जनवरी के लिए क्या संदेश रखना चाहेंगे? हमारा तो सभी युवा पीढ़ियों का, हम सभी मेंबर्स का, हमारा तो यही संदेश है आपके मीडिया के द्वारे से सभी जयगांव वासियों को, ये दीपक जो हम हर घर पहुंचा रहे हैं, हर दुकान पे पहुंचा रहे हैं, आप सभी भगवान श्री राम प्रभु जो आज अयोध्या में विराजमान होंगे, आप सब अपने घर पे, अपने दुकानों में, अपने हर प्रतिष्ठान पे ये दीपक को घी के बत्ती के साथ में आप इसको चासे जलाएं, इसको प्रज्वलित करें, ताकि सबको ये महसूस हो और सबको ये पता चले कि हाँ, भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में विराजमान हो गए। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। और दर्शकों, आपको बता दें कि 14 साल बाद जब वनवास से श्री राम लौटे थे तो हम लोग दिवाली उस दिन को मनाते हैं, और जब 500 साल बाद एक बार फिर प्रभु श्री राम अपने अयोध्या जन्म भूमि में, अयोध्या में राम मंदिर में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, एक बार फिर वो विराजमान होंगे, तो एक बार फिर इस दिन में पूरे देश, पूरे विश्व में दिवाली का त्योहार महोत्सव मनाया जाएगा, और उसका तैयारी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, केवल इतना ही दृश्य नहीं है, आपको कोने कोने से ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा, विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों से, कि भारतवासी जो है वह सब तैयारियों में लग चुके हैं, और एक बार फिर पूरे देश पूरे दुनिया में एक बार फिर दिवाली मनाया जाएगा, और हम लोग उसका भी दृश्य साझा करेंगे। फिलहाल इस समय आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से हम लोग आप सभी के समक्ष दृश्य साझा करते रहेंगे। युवा पीढ़ी, देश शक्ति, युवा शक्ति आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही आशा के साथ इस समय हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से फिर जुड़ेंगे। जय हिंद।